नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सावित्री इंडियन। आप देख रहे हैं भारत न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच से बड़ी खबर। पूरे हिंदू सिंह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुनीता देवी व उनके पति विजय मौर्य पर महिलाओं द्वारा लगाया गया आरोप। 6 महीने हो गए हैं, नहीं मिला है राशन। विजय मौर्य डकार जाते हैं बच्चों का राशन और महिलाओं को देते हैं गाली। महिलाओं ने लगाया आरोप। विजय मौर्य से पत्रकार ने फोन पर बयान लेना चाहा, जिस पर विजय ने बताया घर आओ फिर बात करते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। पत्रकार ने कहा हम रिश्वत नहीं लेना चाहते हैं, हम घर नहीं आएंगे। रामेश्वर सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बहराइच जिले के तहसील के ग्राम पंचायत पूरे हिंदूपुरा के माजरा बरकतपुरा का है मैटर, जहां मीडिया को देखते महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुनीता देवी व उनके पति विजय मौर्य पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया 6 महीने हो गए हैं विजय मौर्य द्वारा बाल पोषाहार का राशन नहीं बांटा गया है। उन्होंने बताया सारे ग्राम सभा में राशन बांटा जाता है, लेकिन यहां विजय मौर्य द्वारा राशन नहीं बांटा जाता है। कुछ महिलाओं ने ऐसा भी बताया कि वह अपने घर बुलाते हैं और घर पर साल पर 6 महीने पर राशन बांटते हैं और उनके घर पर जाने पर भद्दी भद्दी गालियां भी देते हैं। महिलाओं ने सीधा आरोप विजय मौर्य पर लगाया है, जहां बहराइच के जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र बच्चों के भविष्य की कामना करते हैं। क्या नाम है आपका? कौन लाता है बच्चों का गल्ला? विजय मौर्या। वो क्या है आंगनबाड़ी में बांटते हैं? किसी को गल्ला नहीं देते हैं। कितने महीने में मिलता है गल्ला? अरे 6 महीना पर खाली 3 दिन खाली आधा किलो पैसे आधा किलो दरिया और आधा किलो दाल जो खाली अच्छी कई महीना में 6 महीने में आधा आधा किलो गल्ला आप लोगों को दिया गया, जिसके बाद में गल्ला नहीं मिला है। इस योगी जी की सरकार से क्या कहना चाहती हो आप माताओं बहनों, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद।